हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी भिंडी की रेसिपी। आप देख सकते हो ये देखने में कितनी क्रिस्पी बनी हुई है और खाने में भी इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया लगेगा, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सबको पसंद आएगी। फ्रेंड्स चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें। 250 ग्राम भिंडी ली है, उसे धुल के अच्छे से सुखा के फिर एक भिंडी में मैंने 4 टुकड़े में काट लिया है। इसके बीच मैंने थोड़े से निकाल दिए हैं। अब चलिए अपने ड्राई मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप ज़रूर ऐड करें। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। 1/2 छोटा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को भिंडी के ऊपर अच्छे से हम लगा देंगे। इसे चलिए अब टॉस भी कर लेते हैं ताकि जो मसाले नीचे बैठ के ऊपर अच्छे से भिंडी पे कोट हो जाए हमारे। अब इसको मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देंगे ताकि सारी भिंडी हमारी पानी अच्छे से छोड़ दे नमक लेके। आप देख सकते हो 10 मिनट हो गया है, पानी भिंडी ने छोड़ दिया है अच्छे से, देखिए गीली हो गई है। अब हम इसमें ड्राई पाउडर ऐड करेंगे जो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी। इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी भिंडी में कोटिंग बहुत अच्छी होगी और भिंडी हमारी बहुत कुरकुरी बनकर तैयार होगी। 1 टेबल स्पून सूजी ऐड कर दे रहे हैं, इससे भिंडी हमारी बहुत दानेदार बनेगी और खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत टेस्ट भी बढ़ जाता है। इससे ज़रूर ऐड करें आप इसको। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। आपको अगर ये ड्राई लगता है तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा लगता है तो आप 2 टेबल स्पून भी ऑयल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं गरम तेल ऐड कर रही हूँ, इससे भिंडी हमारी बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर लेंगे। आप देख सकते हो भिंडी पे हमारे मसाले कितने अच्छे से कोट हो गए हैं। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल लिया है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अपनी भिंडी को हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे 1 मिनट तक पहले हाई फ्लेम पर रखेंगे। 1 मिनट के बाद मैं फ्लेम मीडियम कर दूंगी। ऐसे मीडियम आंच पर हम सेकेंगे। फ्रेंड्स हमें स्टार्टिंग में इसको स्पून से चलाना नहीं है, नहीं तो हमारी भिंडी से मसाले उतर जाएंगे। 1 से 2 मिनट तक आप इसे ऐसे ही रहने दें, उसके बाद आप इसे चलाएँ। अब इसे हम पलट देंगे और मीडियम आंच पर मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए सेक लूँगी ताकि अच्छे से हमारी भिंडी क्रिस्पी हो जाए। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर कुक करोगे तो भिंडी हमारी जल जाएगी, इसलिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है। आप देख सकते हो ये कुरकुरी सुनहरी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस पर एक बढ़िया सा कलर आ गया है कि देखिए फ्रेंड्स, सीख कर तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए बाकी की बची हुई भिंडियाँ में हमें तारे तल ली है। ये देखिए खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स मैंने सारी भिंडी को बनाकर तैयार कर लिया है, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई करें। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें कि आपकी भिंडी कैसी बनी थी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।